खेलकूद कोटे से सरकारी नौकरी का झांसा देकर 16 लाख रुपए ठगने का आरोप, कोतवाली थाने में नामजद मुकदमा दर्ज। चूरू के गांव बूटिया निवासी युवक ने खेलकूद कोटे से सरकारी नौकरी का झांसा देकर 16 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाते हुए चूरू के रिटायर्ड खेल अधिकारी और उसके पीटीआई बेटे के खिलाफ कोतवाली थाने में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। कोतवाली सीआई मुकुट बिहारी ने बताया कि गांव बूटिया निवासी 34 वर्षीय अजय ने मुकदमा दर्ज करवाया कि अजय और उसके चाचा का लड़का दिनेश शर्मा राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अप्रैल 2022 में उसके पास पीटीआई राजदीप लांबा का फोन आया और जिसने कहा कि राजस्थान की भर्ती परीक्षा और अध्यापक भर्ती परीक्षा में भर्ती में वह उन दोनों की सरकारी नौकरी लगा देगा। 3 दिन बाद वे राजदीप से मिलने उनके घर गए, जहां उनके पिता ईश्वर सिंह लांबा, जो चूरू स्टेडियम में खेल अधिकारी के पद पर तैनात रह चुके थे, वो भी मिले। अजय और दिनेश शर्मा ने राजदीप से पूछा तो उन्होंने कहा कि उसके पिता खेल अधिकारी के पद पर रह चुके हैं और वे राजकीय सेवा में पीटीआई के पद पर तैनात हैं। वे इन दोनों का खेल कोटे से राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं के सिलेक्शन करवा सकता है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि उनकी बातों से प्रभावित होकर अजय और दिनेश ने दोनों के बताए अनुसार प्रत्येक के 8-8 लाख रुपये के अनुसार 16 लाख रुपये का भुगतान उनके घर पर जाकर कर दिया। इसके बाद उन्हें खेल के 2 प्रमाण पत्र लाकर दिए। अजय और दिनेश ने फर्जी प्रमाण पत्र लेकर नौकरी लगने से मना कर दिया और अपने रुपए वापस मांगे तो देने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर पीटीआई राजदीप लांबा ने इसे झूठा मामला बताया है। उन्होंने कहा है कि उन पर सरासर झूठे आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। राजदीप ने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया है उसकी पत्नी फर्जी खेल प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी में लगी है। बोटिया निवासी अजय शर्मा ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें इसने बताया है कि अजय खुद और इसका चाचा का लड़का दिनेश, इससे जो है राजदीप लांबा और ईश्वर लांबा जो है उन्होंने जो 8-8 लाख रुपए लिए हैं वही उन्होंने जो है सरकारी नौकरी में लगवा दें और उसके बाद जो है इसको ना तो नौकरी लगवाई है और ना जो है वो पैसे रिटर्न दिए। तो ये प्रकरण दर्ज जो है अभी जो है जाँच कर रहे हैं। इस पर सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर जो है इन्होंने ये पैसे लिए हैं और उसके एवज में शायद इन्होंने कोई जो है फर्जी प्रमाण पत्र दिए हैं, तो उस संबंध में जाँच होगी किस तरह के प्रमाण पत्र हैं। तो मेरे को पता लगा कि भाई मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं, जो भी है मामला है निराधार है सारा का सारा। मेरे को इस मामले में कुछ भी पता नहीं है और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो जिस लड़के ने मुकदमा दर्ज करवाया है उसकी लड़की जो वाइफ है वो खुद फर्जी खेली है। उसका सारा रिकॉर्ड मैंने निकलवाया है, जैसे मेरे पास सूचना आई तो उसका रिकॉर्ड भी मैंने निकलवाया है, उसकी वीडियो भी मैंने निकलवाई है। उन्होंने AFI से एंट्री करवाई है, इलीगल एंट्री करवाई है। जो ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं कि आज तक हम खेले हुए भी नहीं हैं और तो उसका मेडल कैसे आ गया, ये सारा का सारा समझ से परे है। तो इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जारिया पोस्टेड हूँ। तो ये बिल्कुल एकदम एलिगेशन लगा रहे हैं, कोई द्वेष भावना से लगा रहे हैं कि इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, एकदम झूठा एलिगेशन है सारा।